नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ बाल मुकुंद वैष्णव हूँ। सबसे बड़ी खबर मिल रही है सरवाड़ दरगाह से, जहां पर नौजवानों के दो गुटों में आपस में मारपीट हुई है और मारपीट के बाद एक गुट के नौजवानों ने चाकूबाजी की है। चाकूबाजी की इस घटना में एक नौजवान के घायल होने की खबर मिल रही है। सरवाड़ दरगाह में हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स चल रहा है, जिसमें देश प्रदेश के हजारों लोग जायरीन जियारत करने आए हुए हैं। सरवाड़ निवासी आदिल पुत्र सलाम मोहम्मद उम्र 18 वर्ष अपने दोस्तों के साथ उर्स मेला देखने गया था। उसी दौरान कुछ लोगों से धक्का मुक्की और गाली गलौच हो गई। उस दौरान आदिल पर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया। पहले मारपीट हुई और मारपीट के बाद आक्रोशित नौजवानों ने बटन वाला चाकू निकालकर आदिल पर हमला कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा है और हमलावरों को राउंड अप करने की पुलिस तैयारी कर रही है। सरवाड़ दरगाह में चाकूबाजी की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सरवाड़ दरगाह क्षेत्र मेला ग्राउंड में चाकूबाजी की घटना होने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग घटना के बाद बहुत चक्के से रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेले में चाकूबाजी जैसी घटना हो जाएगी। घटना घटित होने के बाद स्थानीय लोगों ने हाथों हाथ इस हादसे में घायल हुए आदिल को सरवाड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। घटना के बाद आदिल के परिजन सरवाड़ पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। परिजनों ने बताया कि आदिल सरवाड़ दरगाह में मेला देखने गया था, उसी दौरान आदिल के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। सरवाड़ निवासी गोलू, लीली, मोम, आदिल, जानू, हुसैन पठान एवं सोहेल ने आदिल पर प्राणघातक हमला कर दिया और ताबड़तोड़ लात गुत्तों से हमला करते हुए चाकू से वार कर दिया। चलते आदिल घायल हो गया है। पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है। सरवाड़ दरगाह क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जिन नौजवानों के हाथों में पेन पेंसिल किताब होनी चाहिए थी, उनके हाथों में एक एक चाकू कहां से आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सरेआम चाकू से हमला किया और सैकड़ों लोग मुखदर्शक होकर तमाशा देखते रहे। ऐसा नहीं है कि सरवाड़ में पहली बार चाकूबाजी की घटना हुई है, छोटी मोटी घटनाएं कई बार हो गई है और जो मासूम बच्चे हैं या आए दिन इसी वारदात को अंजाम देते हैं।